ब्रेक के बाद बेबाक बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खेल रत्न, भारत के नए खेल रत्न, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र, बात हो रही थी क्योंकि बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है आपकी। आखिर में छोटे से गांव में जहाँ आदमी के लिए जीवन यापन की चीज़ें भी मुहैया नहीं है, ऐसे में जैवलिन थ्रो जैसे एकदम टेक्निक वाले खेल को कैसे आपने चुना और कैसे इसकी प्रैक्टिस की, कैसे वहाँ से इस स्पोर्ट्स में आगे निकले? हमारे राजस्थान में सरकंडे होते हैं काफ़ी, तो वो सरकंडे लेकर के फेंकना, ओपनिंग की ट्रेनिंग वही थी मेरी, खुद ने की है, खुद ही ने किसी ने बताई की, क्या? नहीं किसी ने नहीं बताई, खुद ही ने। उसके बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकला तो मैंने ये सोचा कि हम कर सकते हैं। तो उस समय जब हम ये कर रहे थे प्रैक्टिस, तो ये एबल बॉडी में पार्टिसिपेट करते थे या पैरा में? नहीं, मैं पैरा जानता ही नहीं पैरा तो था शायद था ही नहीं। उस टाइम में, था ही नहीं, मैं तो एबल बॉडी में खेलता था। अच्छा, हाँ, स्टेट में लंबे टाइम चैंपियन रहा मैं, स्टेट का फिर नेशनल मेडल लिया एबल बॉडी था में। एबल बॉडी में। अच्छा। ऑल इंडिया इंटरेस्टी एशिया यूथ का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें मेडल लिया एबल बॉडी में। तो कैसे कैसे तैयारी कैसे की आपने? एक्चुअली तैयारी तो ऐसा है कि फिर मैंने ट्रेनिंग का अपने आप का सेटअप तैयार किया मैंने। अच्छा। मेरे पास हो सकता है थेराबैंड तो नहीं हो, पर साइकिल ट्यूब तो हो सकती है मेरे पास। फिर मैं कुल्हाड़े से ट्रेनिंग करता था। ऐसे ऐसे एक्सरसाइजें निकाले, जैसे राजस्थान में हमारे दौरे बहुत हैं तो उस दौरों पे ट्रेनिंग करना स्ट्रेंथ के लिए। हाँ, अच्छा मॉर्निंग में आप ग्राउंड जाने से पहले मैं स्टडी करता था, अच्छा तो हम 5:30 पौने 6 बजे ग्राउंड जाते थे, तो मैं 4:30 बजे उठ के 1 घंटे पढ़ाई स्टडी कर लेता था। होमवर्क होता था हमारा, वो कर लेता था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे मुझे कवर करनी पड़ती थी, जैसे शाम को 4:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी, अब मेरे को ग्राउंड पहुंचना ज़रूरी है। 5 किलोमीटर की दूरी होती थी, पैदल जाना पैदल आना, 10 किलोमीटर की तो वो थी। तो मैं क्या करता था, वहीं से और लड़के थे, मैं कभी मैं भाग के जाऊंगा, तो मैं भाग के आता था घर तक, आ करके अपना बैग रखा, फिर ग्राउंड जाना। आज समझ में आ रहा है कि वो भागना काम वो आया है, भागना ही, उस टाइम में तो वो जुनून स्टेमिना था। बने। हाँ, आज ये मानता कि वो भागना था, वो इम्पोर्टेंट था, तो हाँ। वो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पॉइंट ही मेरे लिए हो रहा था। देवेंद्र, क्योंकि खेल खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें राजनीति भी बहुत ज़्यादा है, पक पक पे ठोकर खानी पड़ती है। ऐसे में आपको तो कोई ग्रुप ही नहीं मिला कोई आगे बढ़ाने वाला, और फिर ये बात भी कि अरे भाई दिव्यांग हो और क्या करोगे आगे जाके, इस तरह की भी। ऐसे में कैसे निकले, इन सब चीज़ों को लेके कोई अनुभव होंगे आपके, किस तरह से इन बाधाओं को भी पार किया? मैं मेरी लाइफ में घूमता ही रहा हूँ, अच्छा। एक जगह से मैंने स्कूल भी नहीं किया, अलग अलग 2-3 साल में चेंज कर लेता था स्कूल, और वही आदत रही, कॉलेज भी हमने चेंज कर लिया। सेकंड ईयर मैंने राजगढ़ मोता कॉलेज है चूरू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से जी किया। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह आगे एमए मैंने फिर हनुमानगढ़ NMPG कॉलेज से किया। अच्छा। तो जब मैं अच्छा खिलाड़ी बन गया था तो RD सिंह जो मेरे पर्सनल कोच रहे हैं, वो द्रोणाचार्य दिया भारत सरकार ने उसको 2007 में, उन्होंने मुझे देखा जब हम ऑल इंडिया इंटरेस्टेड खेलने गए थे ग्वालियर। तो मैं सबसे पहले उठता, सबसे पहले स्नान करता और मैं कहता कौसा मैं रेडी हूँ। टूर्नामेंट होते मैं साथ ही रहता था उनके, मैं सोच रहा था कि 10 दिन में मुझे सीखने में मिले इनसे कुछ ना कुछ, इसलिए उनके साथ रहते उस थे। इसलिए उनके साथ। मैंने कहा कौसा ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा फिर यार आप मेरी कॉलेज में आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो आ जाऊँगा आपके कॉलेज में, तो मैंने एडमिशन वहाँ ले लिया। कौसा ने देखा तो वहीं कौसा, से स्कॉलरशिप शुरू हो गई अभी। वहाँ से स्कॉलरशिप शुरू हो गई। और कौसा आज बताते हैं वो बात कि मैं खिलाड़ी के तौर पे आपको इतना लाइक नहीं किया उस टाइम में, मैंने ये समझा कि एक अच्छा लड़का है, ये कुछ करना चाहता है तो अपना भी योगदान होना चाहिए इसके प्रति। अच्छा। तो उसके बाद फिर 2004 में जो रियो वाला, सॉरी एथेंस वाला था, उससे पहले कोच साहब के पास मैंने ट्रेनिंग की, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, स्पोर्ट्स ऐसे बढ़ेगा आपका। उसके बाद फिर इंडिया से खेले, अच्छा लगा, भारत से खेल रहे हैं, पहला टूर था 2002 पैरा एशियन गेम्स। पर भारत में तो बड़ा इसकी जानकारी बहुत बाद में आए लोगों को मिल रही है, हाँ बिल्कुल, भारत में मैं यूँ कहूँ कि 2004 में जब मैंने गोल्ड मेडल लिया था तब पहली बार पता लगा। तो पहली बार पता लगा कि भारत इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है भारत ने। तो फिर जो भारत सरकार, उसने ये निर्णय किया कि इसको एफिलेशन दी जाए, इस खेल को अच्छा, मान्यता तब दी तक जाए। एफिलेशन नहीं थी। तब तक एफिलेशन ही नहीं थी इस खेल को। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट इतना बेटर था, तो माननीय मंत्री थे सुनील दत्त जी जिस टाइम में, तो उन्होंने जी कहा इसको रिकॉग्नाइज किया जाए।
फिर गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। देवेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की तैयारी की इस दौरान, कैसे पैरालंपिक में जाने के लिए कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली, किस तरह से ट्रेनिंग ली आपने? बिल्कुल, ये लंबा टाइम है मेरा, 15 साल का इंटरनेशनल करियर है, इसमें बहुत जगह घुमा हूँ, देखा है, लेकिन लास्ट तौर की ट्रेनिंग देखें जो रियो की देखी मेरी जी, गुजरात में गांधीनगर रहा मैं। अच्छा, तो हमने फिर उसके बाद फॉरेन में चले गए, हम फिनलैंड में चले गए ट्रेनिंग के लिए, जो वर्ल्ड ट्रेनिंग सेंटर है, वर्ल्ड का बेस्ट है जेवलिन के लिहाज से, फिनलैंड में। वहाँ पे जाके हमने देखा कि दुनिया के जो टॉप 10 खिलाड़ी थे जेवलिन के जी, वो ज़्यादातर वहीं थे, फिनलैंड। फिनलैंड में हमारे, अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग करते थे। हाँ, हमारी एकेडमी में। तो वहाँ हमें कॉम्पिटिशन मिला, वो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको, तो वहाँ जा कर के जो ट्रेनिंग मिली हमें वो एक अलग ट्रेनिंग थी हमारी, एक्विपमेंट भी अलग थे उनके पास, बहुत सी चीज़ें थी जो कि पहले नहीं थी हमारे पास अवेलेबल। तो वहाँ जाकर के हमने जो बेस्ट परफॉर्मेंस के, मेरा बहुत बड़ा रीजन यही रहा था कि मैंने वहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। हाँ, वर्ल्ड क्लास। अच्छा, हम किस लेवल पे हैं, क्योंकि जेवलिन थ्रो जो एक एक बड़ा एथलेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण गेम है, आज भारत की स्थिति क्या है, भारत किस लेवल पे? देखा जाए तो हमारा जेवलिन में, मैं मानता हूँ एथलेटिक्स में सबसे अच्छा है, हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जेवलिन के अंदर। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड, और नीरज चोपड़ा जिनने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था लड़के ने, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा है वो जी। आपके पास देवेंद्र झाझड़िया है जिन्हें 15 साल तक उनके नाम रिकॉर्ड चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में स्पेशल अकेडमी नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? हमारी मानसिकता नहीं है, सरकारी सहयोग नहीं है, या हम स्पोर्ट्स को बिल्कुल अभी भी दोयम दर्जे का मान के चल रहे हैं? एक्चुअली स्पोर्ट्स में देखा जाए तो आपके पास उस लेवल पे नहीं है हम, कि हम यूके की फैसिलिटी से तुलना करें, यूएसए की फैसिलिटी से तुलना करें, तो कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो नीचे लेवल पे, ग्रास रूट पे जो बच्चे हैं, उनको 8 साल 12 साल 10 साल, उस टाइम में हमें उनको फुल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और आपको उनको आगे एक तैयारी करनी पड़ेगी कि ओलंपिक के लिए हमारा ये ग्रुप काम करेगा, अगले 4 साल ओलंपिक के लिए ये काम करेगा। 4 साल के ओलंपिक के लिए आपको 12 साल पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या लगता है कि जिस तरह का स्टेमिना चाहिए, जिस तरह की बॉडी चाहिए, जिस तरह का नेचर और जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एयर प्रेशर भी बहुत काम करता है जेवलिन थ्रो में, एयर की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या ये सारी जो कंडीशंस है वो जेवलिन थ्रो के लिए इंडिया में कोई आदर्श स्थिति है क्या है? नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं जेवलिन थ्रो, और बॉडी के अकॉर्डिंग जेवलिन थ्रो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जेवलिन थ्रो के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंडिया के एथलीट का है। देखिए ना, एक बात तो ये है कि जेवलिन के लिए आपकी माँ ने प्रेरणा दी, घर से बाहर निकाला, लेकिन ज़्यादातर जो पत्नियाँ हैं वो तो इस तरह से कहती हैं कि खेल को लेकर कतई, तो आपको क्या घर में क्या माहौल मिला, आपकी पत्नी से क्या सपोर्ट मिला, माँ का तो आपको प्रेरणा मिली, क्या पत्नी का पूरा सपोर्ट मिला? नहीं, इस मामले में कहूँ कि मैं बहुत ही बड़ा किस्मत वाला हूँ, मेरी वाइफ है वो भी एक नेशनल प्लेयर है। अच्छा, कबड्डी की है वो। अच्छा, तो वो भी क्या राजस्थान से? राजस्थान से ही है। अच्छा, मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही, और मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा है। जो सेकंड सेशन रहा लाइफ का, जो रियो वाला रहा, उसमें मैं 2010 में गेम छोड़ने की प्लान बना ली थी मैंने, फिर लेकिन उसके बाद फिर हमने बातें की, बैठ के चर्चा की, मैंने कहा अब आपको प्रमोट करूँगा मैं, आपकी हेल्प करूँगा मैं, आप गेम करें, तो उसने कहा कि नहीं, गेम तो आपको ही करना है, और आपको गेम क्या करना है, मेडल लेना है, क्योंकि 12 में मेरा इवेंट नहीं आया था ओलंपिक में, तो फिर कहा 16 में आएगा, तो उसने अपना गेम छोड़ दिया मेरे लिए। अच्छा, तो मैं मानता हूँ कि हमारे घर में सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स पे बहुत चर्चा होती है, और चर्चा होना बहुत जरूरी है घर में जी। तो बच्चों के बारे में भी क्या ख्याल है, वो भी स्पोर्ट्स में? नहीं, बच्चे मैं चाहूंगा उनकी रुचि किस में होगी, ये नहीं होना चाहिए, बच्चों पे दबाव नहीं होना चाहिए, थोप दिया जाए, और ये उन पे कभी माहौल ही ऐसा मिल रहा है घर में तो। हाँ, चर्चाएं हो रही हैं, तो वो भी ये कहते हैं हम स्पोर्ट्स करेंगे, बेटी 6 साल की है, बेटा तो छोटा है 2 साल का अभी, तो वो कहते हैं कि आपको करना है वो करें, मेरा ये नहीं रहना चाहिए, प्रेशर नहीं रहना चाहिए। देवेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अभी भी माहौल
कि हम ओलंपिक में बहुत पीछे, एशियाड्स में बहुत पीछे, खेलों में कहीं नाम नहीं। निश्चित तौर पे इंडिविजुअल जो लोग करके आ रहे हैं वो देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज भी हमारे देश के परिवारों की ये स्थिति है कि वो बच्चा ग्राउंड में जाता है तो भविष्य खराब मत कर, अरे भाई क्या करेगा, क्या इसी तरह से घूमता रहेगा, क्या सड़क रोड मास्टरी करेगा, इस तरह के सवाल बच्चों के सामने खड़े कर दिए जाते हैं और बच्चे ग्राउंड से दूर होकर किताबों में घुस जाते हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।